दिन का चुप चुप ची पुड़ छे एंटेना ठीक नुड़ छे हृदय कनेक्शन तरता जसे ताल आज कल हठात करे बुक प्रेम आनुष ओढ़े दुख मन दिए पर बदले छे दिन का। ओके गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस आप भी कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए इन तक देखना। तो गाइस कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करने के लिए एलाइट मोशन ऐप की जरूरत है तो आपके पास एलाइट मोशन ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलाइट मोशन ऐप का लिंक दे दूंगा, आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। चलिए गाइस बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। जाने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 फोटो को 9x16 साइज करना है, ठीक है? तो यहाँ से प्लाइम पर क्लिक करके 9x16 साइज के एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फिर प्लाइम पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर पर आपका फोटो है, तो उस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सिंपली से यहाँ से एक फोटो यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद 3 डॉट पर जाकर फिल कंपोजिंग एरिया कर लेना है। एरिया करने के बाद क्या करना है, आइकॉन पर क्लिक करना है, करंट फ्रेम स्पेंच पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना। तो गाइस आई होप आपको सभी समझ में आ रहा है। कुछ इस बार से आपको 3 फोटो को 9x16 साइज यहाँ से कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर सेव कर लेना है, ठीक है? तो फिर क्लोज करके इस फोटो को ऐसे डिलीट कर देना है। तो फिर से प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ से एक दूसरी फोटो को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट पर जाकर सेम तरीके से कंपोजिंग एरिया एंड इसे आइकॉन पर क्लिक करना है, करंट फ्रेम स्पेंच पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो ऐसे यहाँ पर देखते हैं 2 फोटो को एक्सपोर्ट कर लिया, या फिर मैं और एक फोटो को ऐसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को अगले का पार्ट बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने 3 फोटो को 9x16 साइज कर लिया। फिर आपको यहाँ से ब्लैक करके प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, फिर इस प्रोजेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये सॉन्ग बीट मार्क और ये HDR CC इफेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस दोनों का लिंक। तो ब्लैक मोशन पे यहाँ से इनपुट कर लेना, फिर आपको यहाँ से सॉन्ग बीट मार्क पे यहाँ से टैप कर देना है। तो यहाँ से सॉन्ग बीट मार्क पे यहाँ पर टैप कर देना, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली से यहाँ पर फोटो 1 दिखाई देगा 4:4:4 सेकेंड पर, ठीक है? तो यहाँ पर एक फोटो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर टोटल 3 फोटो यहाँ से यूज करना होगा, ठीक है? तो सिंपली से यहाँ पर कैसे करना है, तो यहाँ से फोटो 1 पे यहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ से फोटो 1 पे चले जाने के बाद एडिट ग्रुप पे चले जाना है। तो यहाँ से एडिट ग्रुप पे जाने के बाद या अपने आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी लेयर दिखाई देगा। तो आपको एक ही बार में ऐसे फोटो ऐड करना है, बदला एक एक करके ऐसे ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको फोटो ऐड करने की 2 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? तो ऐसे फास्ट जो तरीका आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर लेयर पर टैप करना है, कलर फिल पर चले जाना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को अलाइन मोशन को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे अलाइन मोशन को सिलेक्ट करने के बाद एक फोटो यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद क्या करना है, प्लाइम पर क्लिक करके ऊपर ऐड कर देना है, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से फर्स्ट लेयर में आपको ऐड हो गया। फिर आपको नेक्स्ट लेयर पर टैप करना है, कलर फिल पर जाना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, उस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करके प्लाइम पर क्लिक करके ऐड कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर सेम तरीके से नेक्स्ट फोटो पर टैप करना है, सॉरी नेक्स्ट लेयर पर सेम तरीके से आपको यहाँ पर आपको फोटो ऐड कर लेना जितने सारे लेयर है। तो सेम तरीके से आगे जो लेयर है सेम तरीके से आपको यहाँ से फोटो ऐड करना हो, सिर्फ एक फोटो यहाँ से ऐड करना है, एक ग्रुप में आपको एक ही फोटो यहाँ ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लेयर है, तो बहुत सारे लेयर में आपको एक एक करके यहाँ से फोटो करना। तो आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगा तो मैं आप लोगों को लिए और एक तरीका यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ इस पास से ऐड कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से करने के बाद फिर से आपको बैक जाना है और यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट ग्रुप पर जाना है। तो यहाँ पर देखिए फोटो 2, इस पर आपको टैप कर देना है, एडिट ग्रुप पर जाना है। यहाँ से आपको ध्यान से देखना होगा, फोटो एडिट करने के 2 तरीके मैं बता रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट 2 तरीके बता दिया। फिर आपको यहाँ से प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद एक फोटो ऐसे चूज कर लेना है, इस डबल आइकॉन पर क्लिक करके फोटो को कॉपी करना है, फिर फोटो को डिलीट कर देना है। फिर इस आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट ऑल लेयर करना है। फिर से इस आइकॉन पर क्लिक करके ये पेस्ट स्टाइल पर जाके इस 4 को आपको अनटिक कर देना है, ठीक है? इस 4 को अनटिक करके ये फास्ट जो रहेगा उसको टिक रखेगा, फिर आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो एक ही बार में यहाँ से फोटो ऐड हो जाएगा, ठीक है? जितने सारी लेयर है, मान लो 40-50 लेयर है, एक साथ में यहाँ से फोटो ऐड हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो आपको एक ही, तो आपको यहाँ से फोटो ऐड करने के 2 तरीके मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? यहाँ पर फोटो 3 में आप लोगों को और एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ऐसे कैसे यहाँ से प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, एक फोटो चूज करना है, डबल आइकन पर क्लिक करके फोटो को कॉपी करना है, फिर डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इस आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करना है, फिर यहाँ से पेस्ट स्टाइल पर जाके इस चार को अनटिक करके पेस्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है? तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर फोटो ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ से फोटो ऐड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर टोटल मैंने 3 फोटो बताया, यहाँ पर 4 फोटो यूज़ होगा, तो लास्ट छोटा ग्रुप में सेम तरीके से आप कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर इतना करने के बाद क्या करना है, आपको HDR CC इफेक्ट पे जाना होगा। तो HDR एंड CC इफेक्ट पे यहाँ पर जाने के बाद ऊपर आपको 7 लेयर दिखाई देगा, उस 7 लेयर को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके एक को सिलेक्ट करना है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इस डबल आइकन पर क्लिक करके कॉपी 7 लेयर करना है। तो इस 7 लेयर को यहाँ से कहाँ तक पेस्ट करना है, बिडमार पे। तो बिडमार पे यहाँ पर आप लोगों को चले जाना है, जहाँ से फोटो ऐड होना स्टार्ट हुआ वहाँ पर आप लोगों को आ जाना है। आ जाने के बाद इस डबल आइकन पर क्लिक करना है, पेस्ट 7 लेयर कर देना है। तो पेस्ट 7 लेयर करने के बाद फिर
फिर से आपको इस सेवन लेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा और वीडियो को इन तक आ जाना होगा। इस आइकॉन पे क्लिक करके नीचे आपको उसको ले आना होगा, ठीक है। तो आपको वीडियो बनके रेडी हो जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए, इस आइकॉन पे क्लिक करना और वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। तो वैसे आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर गए, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।